श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणी अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन, निर्गुण ब्रह्म की महिमा। प्यारी धर्मानुरागिणी जनता, मुझको रामचरित मानस से प्रेम है, लड़कपन के समय से ही। मेरा लड़कपन उस समय का है जिस समय देवनागरी अक्षर का प्रचार बहुत कम था। जो लोग संस्कृत पाठ करते थे उनके बीच यह अक्षर था, औरों के बीच नहीं। कैथी हिंदी की किताब सरकार के लोग विद्या के महकमे में देते थे। उस समय लोअर पास का नाम भी नहीं था। मेरे पिताजी श्री रामायण जी का पाठ करते थे। कभी कभी उनकी आंखों से आंसू बहते थे। मैं सोचता कि ये पढ़ते हैं और रोते क्यों हैं। मेरे मन में आया कि इसको पढ़ना चाहिए। मैं हाई स्कूल में पढ़ने गया। उस समय उसको इंट्रेंस कहते थे। फारसी पढ़ने से मुशावदा अच्छा होता था, इसलिए पिताजी ने मुझे फारसी पढ़ने कहा। मैं पिताजी की आज्ञा से उधर लगा, लेकिन बासे में जाकर रामायण जी का पाठ करता था। पहले ठीक ठीक समझा नहीं। समझा उसमें कथा है, उसमें योग ज्ञान और भक्ति की गहराई है। समझ में नहीं आया। उम्र बढ़ी, थोड़ा थोड़ा समझने लगा। मैंने देखा कि जितना जितना सोचा उतना ही उतना वह गहरा मालूम होने लगा। मेरे जीवन में जोर पकड़ गया कि पढ़ना छोड़कर भक्ति में जीवन बिताओ। एक परीक्षा होती थी, उसमें पहला दिन अंग्रेजी का अनुवाद अंग्रेजी में करने के लिए दिया गया था। विषय बिल्डर्स का था। फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज टाइम इज विद मटेरियल्स फील्ड आवर टू डेज एंड यस्टरडेज आर द ब्लॉक्स विद विच वी बिल्ड। इसका बयान करते करते मेरी कॉपी खत्म हो गई। मैंने गार्ड से कहा, मे आई गो आउट सर। गार्ड ने आदेश दिया, मैं चला। सो चला ही गया। यह सन 1904 ईस्वी की बात है। हाँ, मैं रामचरित मानस की बातें कहने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन उतना समय है नहीं, क्योंकि मुझे अभी भागलपुर भी जाना है, इसलिए थोड़ा कहता हूँ। रामचरित मानस राम का भक्तिमय ग्रंथ है। उसमें ज्ञान योग और भक्ति मिश्रित है। केवल मोटी ही मोटी बातें नहीं। भक्ति की पूर्णता ज्ञान और योग को छोड़ने से नहीं होती, और योग की पूर्णता भी भक्ति और ज्ञान के छोड़ने से नहीं होती। ये तीनों संग हैं। ज्ञान की बात परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का वर्णन है। माया और जीव का वर्णन भी ज्ञान है। योग का वर्णन यह है कि भक्ति के अंदर में दम और सम को लिया गया है। इनको छोड़ने से भक्ति पूरी नहीं होती है। दम इंद्रिय निग्रह को और सम मनोनिग्रह को कहते हैं। भक्ति के अंदर ये दोनों बातें हैं। श्री राम जंगल जाते हैं, वहाँ सीता जी का हरण होता है। सीता जी की खोज करते करते वे सबरी के आश्रम में जाते हैं। वहाँ श्री राम ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश सुनाया है। वहाँ शम और दम दोनों पाए जाते हैं। जैसे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठी भक्ति में आते हैं तो कहते हैं, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। यहाँ दम आता है, बहुत से कर्मों के करने से मन में आसक्ति का भाव नहीं रहे, बहुत से कर्मों से अपने को बचाए रहे और सज्जनों के धर्म में चले। सज्जनों का धर्म यह है कि पांच पापों को छोड़ दे, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन पांचों पापों को छोड़कर कर्म करे, यह सज्जनों का धर्म है।
पंच पापों में से कोई एक भी कर्म करे तो भक्ति में कमी होती है, इंद्रियों को रोकते रोकते उसके रोकने का स्वभाव हो जाए, यह दम है। कोई इंद्रिय निग्रह करता है तो को ईश्वर की ओर क्या प्रेम होता है। इंद्रिय निग्रह केवल विचार द्वारा नहीं होता है, इसके साथ योग होना चाहिए। योग साधन में अवस्था बदलती है। सपने हो ही भिखारी नृप रंक नक नाकपति होए, जागे लाभ न हानि कछु तिमी प्रपंच दिए जोय। मोह निशा सब शोव निहारा देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारथि प्रपंच वियोगी। इसको नहीं लेते हैं तो इंद्रिय निग्रह नहीं होता है। योगी जागते हैं, क्या जागते हैं, वे तीन अवस्थाओं में नहीं रहते हैं, चौथी अवस्था में रहते हैं, जगने में अचेत, स्वप्न में अचेत और सुषुप्ति में अचेत। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। विनय पत्रिका में तीन अवस्था को छोड़कर भजन करो, भजन करने के लिए तीन अवस्थाएं छूटे, चौथी अवस्था आवे तब स्थूल विषयों का संग जो इंद्रियों को होता है सो छूट जाता है। बिना योग के इन तीनों अवस्थाओं से छूटा नहीं जा सकता। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करणी अपार, जानई सो जेही बनी आई, जो जेही कला कुशलता कह, सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी शन मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहई गज भारी, जो सरकरा मिलई सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजी जोगी, सोई हरि पद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी, शोक मोह भय हर्ष दिवस निशी, देश काल नहीं नाही तह नाही, तुलसी दास एहि दशाहीन, संशय निर्मूल न जाही। गोस्वामी तुलसीदास जी की यह वाणी आश्चर्य में डालने वाली है। जो जेहि कला कुशलता कह, सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बही गज भारी, जो सरकरा मिलई सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। इनको पढ़ने और ऊपरी भाव से समझने पर मोटा भाव समझा जाता है, लेकिन है यह योगाभ्यास। इसलिए वे कहते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजी जोगी, सोई हरि पद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। जो कोई चींटी और सफरी बने वह योगी हो जाए, अर्थात स्थूल भाव में अपने को नहीं रखकर सूक्ष्म भाव में अपने को रखे। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में, परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर नगर में मानस समिति द्वारा आयोजित सत्संग में दिनांक 16/12/1968 ईस्वी को उद्घाटन भाषण के रूप में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।